हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्रिसमस फेस्टिवल के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिसमस स्पेशल फ्रूट केक की रेसिपी। इस केक को हम बनाएंगे विदाउट एग, विदाउट ओवन, विदाउट घी एंड बटर। इसको बनाना है बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। तो आज का ये वीडियो मेरे साथ एंड तक ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो और बनाते हैं क्रिसमस स्पेशल फ्रूट केक। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ले ली है आधी कटोरी जितनी टूटी फ्रूटी, जिसको हम 1.5 चम्मच जितने मैदे के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। यहाँ पे मैं सिंगल कलर की टूटी फ्रूटी ले रही हूँ, आप चाहे तो मल्टी कलर टूटी फ्रूटी का यूज भी कर सकते हैं। हम इसे क्यों कोट कर रहे हैं वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। तो चलते हैं केक के बैटर बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हम वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। एक बाउल में मैं ले लूंगी 1 कटोरी जितनी चीनी, उसी कटोरी के माप से मैं ले लूंगी यहाँ पे आधी कटोरी जितना दही और आधी कटोरी ही तेल। यहाँ पे हम न्यूट्रल ऑयल का यूज कर रहे हैं। न्यूट्रल ऑयल मतलब जिस तेल में कोई भी स्मेल और टेस्ट ना हो, जैसे कि सरसों का तेल, मूंगफली का तेल होता है ना, उसका टेस्ट और उसकी स्मेल काफी स्ट्रांग होती है। ऐसे तेल हमें हमारे केक में यूज नहीं करने हैं, नहीं तो उसका टेस्ट, उसकी स्मेल हमारे केक में आ जाएगी और हमारा केक बिल्कुल टेस्टलेस बन जाएगा। तो हमेशा केक में न्यूट्रल ऑयल का यूज करिए। तीनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक हमारी जो चीनी है वो तेल और दही में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे शुगर की जगह पाउडर्ड शुगर का यूज कर सकते हैं, ताकि सारी चीजें फटाफट मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच जितना वेनिला एसेंस। हम यहाँ पे वेनिला स्पॉन्ज केक बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वेनिला एसेंस डाला है। एसेंस को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम डाल देंगे इसके अंदर 2 चम्मच जितना कंडेंस मिल्क। यहाँ पे मैं अमूल का कंडेंस मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास होममेड कंडेंस मिल्क है आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसको स्किप करिए और शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा कंडेंस मिल्क मिलाना है तो शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लीजिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे साइड में और चलते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने की तरफ। तो बाउल में मैं रख दूंगी चन्नी, जिसमें हम डालेंगे 2 कटोरी जितना मैदा। साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर और आधी चम्मच जितना बेकिंग सोडा। साथ ही हम डालेंगे पिंच ऑफ नमक, इससे हमारी टेस्ट, केक का जो टेस्ट है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। सारी चीज़ों को हम छान लेंगे ताकि कोई भी गुठली या फिर अशुद्धियाँ हों वो निकल जाए। छानने वाला जो प्रोसेस है उसे ज़रूर करिए। इससे बेनिफिट क्या होता है ना, इससे छानने से हमारे इस केक के बैटर में एयर फॉर्म होती है और हमारा केक एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे हमारे सारे वेट इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर अब मैं डालने वाली हूँ 2 कप जितना दूध। इस दूध की मदद से हम एकदम सेमी थिक सा बैटर रेडी कर देंगे, मतलब एकदम फ्लोइंग बैटर होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे बिना एग का जो केक है ना वो भी कितना शानदार तैयार हो रहा है, और हम इसे बनाएंगे वो भी बिना ओवन के। दूध धीरे धीरे करके डालिएगा, क्योंकि अगर आपने एक साथ डाल दिया ना तो हो सकता है आपका बैटर पतला हो जाए, फिर आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला के आपकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी को, केक को लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो दूध थोड़ा थोड़ा करके डालिए और सेमी थिक सा फ्लोइंग बैटर रेडी कर लीजिए। केक के बैटर को मिक्स करने में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि केक को वन साइडेड ही हिलाइएगा, राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, वन साइड ही इसे अच्छे से मिक्स करिए। हमने जो टूटी फूटी को कोट किया था उसमें से हम आधी टूटी फूटी को डाल देंगे पहले और आधी टूटी फूटी हम डालेंगे बाद में। केक की टिन को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, लाइनअप कर दीजिए और केक के बैटर को इसके अंदर पोर कर लीजिए। 2 से 3 बार टैप करिए ताकि कोई भी एयर बबल हो तो वो निकल जाए। टूटी फ्रूटी को हम इसलिए कोट करते हैं क्योंकि जब हम ऊपर से टूटी फ्रूटी डालेंगे, ये मैदे से कोट होगी ना तो ये अंदर नहीं जाएगी। मतलब जब हमारा केक फूलता है, एकदम फ्लफी बनता है बेक करने के टाइम पे, तो हमारी ये जो टूटी फ्रूटी है ना वो अंदर नहीं जाएगी, ऊपर ही रही रहेगी। कढ़ाई को मैंने पहले से प्री हीट कर रखा था 5 से 10 मिनट के लिए, और यहाँ पर मैंने मिट्टी का यूज़ किया है। आप चाहें तो नमक का यूज़ भी कर सकते हैं अपने केक को बेक करने के लिए। मीडियम फ्लेम पर 35 से 40 मिनट तक इसे अच्छे से बेक होने दीजिए। यहाँ पे देखिए केक मेरा अच्छे से बेक हो चुका है। चक्कू डाल के हम देख लेंगे, अभी थोड़ी सी कसर है इसके अंदर, तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए और बेक कर लिया था और फिर मैंने इसे कढ़ाई से उतार लिया था। अभी हमारा केक काफ़ी गर्म है तो हमें इसे डीमोल्ड नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। इसे आप ढक के ठंडा होने दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए।
इसे ढकना इसलिए जरूरी है कि जब ये ठंडा होता है तो इसका जो ऊपर का लेयर है ना वो सूखता नहीं है, एकदम सॉफ्ट रहता है। इसलिए केक को हमेशा ढक के ठंडा रखिए। अच्छे से ठंडा होने के बाद हम इसके एजेस पे चाकू लगा के इसे अच्छे से डीमोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए, बेकिंग पेपर लगाने का ये बेनिफिट होता है कि हमारा जो केक है ना वो केक टिन में चिपकता नहीं है और एकदम आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। ये देख रहे कितना सुंदर कलर आया हमारा एकदम केक का। और चाहे ना तो आप इसके अंदर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लाइक आलमंड्स है, कैशूज है, पिस्ता है, किशमिश है। अगर आपके बच्चों को ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप वो भी अच्छी क्वांटिटी में डाल के इस फ्रूट केक को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा केक अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब मैं केक की स्लाइस काट के भी आपको दिखाऊंगी कि हमारा एगलेस विदाउट ओवन, विदाउट घी एंड बटर भी हमारा आज का फ्रूट केक कितना जालीदार और कितना सॉफ्ट बना है। मतलब आपने अगर फ्रेंड्स को ये केक सर्व किया ना तो वो खा के टेस्ट करके बता ही नहीं सकते कि ये केक हमारा एगलेस है। ये देखिए, वाह क्या कलर आया है, कितना सॉफ्ट है और कितना स्पंजी है। और स्पेशली हमने इसे कितने इजी स्टेप्स में बनाया कि आप ही आसानी से इस केक को क्रिसमस पे बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिए। आपका फीडबैक एक्सपीरियंस मेरे संग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि ये एगलेस विदाउट ओवन का फ्रूट केक आपको और आपकी फैमिली को कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। और आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए।